रंगारेड्डी के उलमा इकराम मौलाना सैयद अबरार की क्यादत में ग्रेजुएट साथियों के हमरा टीआरएस पार्टी के ग्रेजुएट उम्मीदवारों की कामयाबी पर रुकने वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट और सैयद अकबर हुसैन की क्यादत पर उन्हें तहनियत पेश की गई। रंगारेड्डी जिले के उलमाए कराम और दानिशवाना मिल्लत और ग्रेजुएट एजुकेटेड तबके ने आज मुझको और जनाब सैयद अकबर हुसैन साहब को सादिका सदर नशीन अखिलियती मालियती कारपोरेशन को बुलाकर अहमियत पेश की। अहमियत इसलिए पेश की कि ग्रेजुएट एमएलसी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी दो कॉन्स्टिट्यूंसी के तेलंगाना में जो इलेक्शन हुए उसमें टीआरएस की शानदार कामयाबी पर, क्योंकि हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूब नगर की सीट तो हमने बीजेपी के हाथों से खींची है, इसीलिए उलमाए कराम ने जो मैं ना सिर्फ आज गुलपोशी की बल्कि इलेक्शन में भी ये लोग अपनी लगन से मेहनत से टीआरएस एक सेकुलर पार्टी होने के नाते टीआरएस को जिताने के लिए ये लोगों ने बड़े पैमाने पर मेहनत की और जिले रंगारेड्डी के उलमाए कराम और मुस्लिम तंजीमों ने भरपूर टीआरएस का साथ दिया और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एक सेकुलर जमात है जिसके वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब हमारे सुप्रीमो हैं। उनकी मेहनतों को देखकर, उनके वेलफेयर स्कीम को देखकर, आयमा हजरात के सिले में उनके काम को देखकर उलमाए कराम ने यह मेहनत की। ये जीत एक अवामी जीत है। ये जीत मैं तो ये कहूंगा टीआरएस पार्टी की नहीं बल्कि ये आवाम की जीत है और इन उलमाए कराम की जीत है। जिले निर्मल के खानापुर मंडल में वाके सूरजपुर के रहने वाले रविंदर और नरेंद्र जो आपस में भाई बताए।